यस सर। इसके अंदर एक कल हमने जैसे अभी सूचना आप लोगों को मिली गई है, इसके अंदर जो मेन एक्यूज था रामकृष्णन ऑल्सो नोन एज आर के ऑल्सो नोन एज बलाल उत्तम, इसको हम कुछ दिन से तलाश कर रहे थे। जब से इंसिडेंट हुआ था तब से ये फरार था और इसकी अरेस्ट करने के लिए मल्टीपल जगहों पे रेड्स भी कंडक्ट की गई थी हमारी, गोवा के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी, और कॉन्स्टेंटली एक तरीके से इसका पीछा किया जा रहा था पुलिस की तरफ से, तो अपनी बार बार ये जो हाइड आउट्स थे इसको चेंज कर रहा था। तो इसके अंदर एक हमें एक इम्पॉर्टेंट कल एक सफलता मिली जब इसको कल अरेस्ट किया गया, और इसको अरेस्ट करने की वजह से इस केस के अंदर कुल टोटल ऑफ 7 पर्संस हैव बीन अरेस्टेड एंड द मापसा पुलिस स्टेशन हैज सक्सेसफुली वर्कड आउट दिस केस बाय अरेस्टिंग ऑल द मेन पीपल। आई विल रीड आउट द नेम्स ऑफ द पीपल हु हैव बीन अरेस्टेड। द नेम ऑफ द अक्यूज्ड आर मंथन चारी, श्रीधर किलेदार, अभिषेक पुजारी, चंपिया नागराज, बोरेश पुजारी, और कल आर के को हमने इसके अंदर अरेस्ट किया। तो ये 7 लोगों को अरेस्ट करने के बाद अभी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस चालू हैं हमारे, और भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर और भी अरेस्ट हो सकते हैं अगर कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व और हमें दिखा इस केस के अंदर जो, तो उनको भी अरेस्ट किया जाए। सर एग्जैक्ट रीज़न क्या था झगड़े का? सर एक पूरा झगड़े का मेन रीज़न देखिए, आई विल नॉट कमेंट ऑन आप इस तरीके से चीज़ों में। द एग्जैक्ट रीज़न जो अभी हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से निकल के आया, इट वॉज़ अ केस ऑफ पर्सनल एनमिटी बिटवीन द टू, एंड बट वी आर वर्किंग ऑन ऑल के ऑल, वी आर लुकिंग एट ऑल एस्पेक्ट्स, बट प्राइमरली जो अभी रीज़न निकल के आया है वो पर्सनल एनमिटी का है। सर इस केस में अभी तक 7 लोगों को अरेस्ट किया जी, इसमें मेन कौन है अभी एक्यूज? इसके अंदर जो मेन एक्यूज हम मान रहे हैं वो आरके को मान रहे हैं। आरके जी, कुछ पता था उसके वजह से कि और कितने कनेक्टर रहेंगे एग्जैक्ट? नहीं, ये 7 लोग मेन थे इसके अंदर टोटल कुल मिला के, सबको अरेस्ट कर लिया गया। सर जी, ये आरके है ना, वो गोवा के सीनियर पॉलिटिकल का एक क्लोजर है, इसलिए उसको पकड़ने में लेट हो गया, कितना सच है? जैसे मैंने आपको बताया, जिस दिन से ये ऑफेंस हुआ उस दिन से हमारी ये कोशिश रही कि इनको अरेस्ट किया जाए, और क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, अलग अलग जगहों पे शिफ्ट कर रहा था, इसलिए इसको पकड़ने में हमें थोड़ा समय लगा, लेकिन इवेंचुअली लॉ फाइनली कैचेज अप विद क्रिमिनल्स और उसी तरीके से इनको अरेस्ट किया गया, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सर इस केस में जो मेन एक्यूज अभी पकड़ा है कल आरके, उसका भाई का क्या इन्वॉल्वमेंट है बाबू? उसको हम देख रहे हैं, उसके भाई के इन्वॉल्वमेंट को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, अगर उसके अंदर इसका क्रेडिबल एविडेंस आएगा तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो वो भी एस्कॉन्डिंग है। अभी जो अरेस्टेड है वो मैंने आपको बता दिया। सर गोवा में अभी छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं, आपको क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया? नहीं, ये जो क्राइम रेट बढ़ गया जो आप बता रहे हैं, कोई स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे आप कह रहे हैं या? देखिए, इसके अंदर जब भी ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं पुलिस प्रिवेंटिव एक्शंस भी ले रही है, जैसे आपको बताया गया है एक हमारी स्कीम चल रही है ऑपरेशन राखन, जो हर रात को प्रत्येक पुलिस स्टेशन एरिया के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के नाइट को पेट्रोलिंग कराया जाता है। उस नाइट पेट्रोलिंग का यही मकसद है कि हम जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो घूम रहे हैं उन पे चेक रखा जाए, तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। उसके अलावा हमने पिछले कुछ समय में एक काफ़ी इंटेंसिव टेनेंट वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया था, वो ड्राइव हमारा ऑनगोइंग है, और उसके अंदर काफ़ी लोगों को जिनको पाया गया उनका प्रॉपर टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं था, उसको हमने नेसेसरी लीगल एक्शन के लिए उनकी रिपोर्ट्स भेजी हैं। तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंदर स्ट्रीट पेट्रोलिंग भी आ जाता है और कई और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं।
और उसके अलावा जब भी कोई इस तरीके का इंसिडेंट हमारी नॉलेज में आता है कि ऐसा क्राइम हुआ है, तो उसके अंदर स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन अंडर लॉ लिया जाता है और जल्द से जल्द जो भी लोग इन्वॉल्व हैं ऐसे क्राइम्स में उनको अरेस्ट किया जाता है। सर, देवड़ी के केस में जिसे हमला हुआ था वो वेपन्स वगैरह बरामद किए हैं जी। अब ये हर चीज़ हम आपको इस समय, बिकॉज दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ नॉट प्रॉपर टू डिस्क्लोज एवरीथिंग इन मीडिया एंड वी आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज, देयरफॉर दैट इज़ ऑल आई विल हैव टू से ऑन दिस। एंड our investigation has revealed that it was a case of personal enmity, but we are still exploring. Since we have now arrested RK, we will be interrogating him in detail to get to know exactly what were the reasons for the fight. जैसे आप जानते हैं माननीय हाईकोर्ट ऑफ गोवा हैज सेड दैट जो इस तरीके के आपके साथ नहीं थी, आई थिंक यू आर ऑल्सो अवेयर एज रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द मीडिया यू विल बी रिस्पेक्टिंग आवर गवर्नमेंट। थैंक यू। आई थिंक देयर इज एन एसआईटी व्हिच हैज बीन फॉर्मड, देयर इज प्राइम ब्रांच हैज एन एसआईटी, मस्ट बी लुकिंग एट इट।